गाइज, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने वाले फीचर्स ऑफ द कंपनी से रिलेटेड। तो अगर आपने L1 मतलब लेक्चर 1 अगर आपने देखा नहीं है तो देख लीजिएगा। कल हमने सुबह 9 बजे लिया था और आज सुबह 9 बजे हम लोग सेकेंड लेक्चर के ऊपर अभी आ रहे हैं। कंपनीज एक्ट हमारा चल रहा है, पूरी सीरीज यूट्यूब के ऊपर होने वाली है आपके अपने चैनल अनअकैडमी CA फाउंडेशन प्रो। और सुबह 9 बजे मैं डेली लाइव आता हूँ बेटा इसी सेशन को लेने के लिए, राइट। सेकेंड लेक्चर आज का हमारा होने वाला है जहाँ पे हम लोग फीचर्स ऑफ कंपनी से रिलेटेड चर्चा करेंगे, फीचर्स ऑफ कंपनी से रिलेटेड बहुत सारी बात करेंगे। अगर आप मेरे पूरे सेशंस को ट्रैक करना चाहते हो तो आप bit.ly/igsirlive, ये शॉर्ट लिंक है, ये URL की जगह अगर आप इसे पेस्ट करते हैं तो ऐसे चीज के अंदर आप मेरे पूरे सेशंस को एक्सेस कर सकते हैं। वही अगर मैं अनअकैडमी की क्लासेस की बात करूं आपके साथ तो आप दो तरीके से हमसे पढ़ सकते हैं। एक होता है बेटा फ्री क्लासेस, दूसरा होता है पेड क्लासेस। फ्री क्लासेस की बात करूं तो रोज सुबह 9 बजे मैं लाइव आता हूं अनअकैडमी CA फाउंडेशन प्रो चैनल के ऊपर, और आज शाम में मैं 7 बजे लाइव आऊंगा अगेन बेटा अनअकैडमी CA फाउंडेशन प्रो चैनल के ऊपर ही लाइव आऊंगा, जहां पे मैं आप लोगों को क्या बताने वाला हूं, जहां पे मैं आप लोगों के साथ चैप्टर नंबर 6 यूनिट नंबर 6 को हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे, राइट। पेड क्लासेस की बात करूं मैं आपके साथ तो प्लस या आइकॉनिक का आपको इसके लिए सब्सक्रिप्शन लेना होता है। तो जब भी आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले आप यहां पे IG सर कोड का डेफिनेटली प्रयोग कीजिए। आप अनअकैडमी के ऊपर फ्री क्लासेस भी देख सकते हैं। ये जो अनअकैडमी के ऊपर फ्री क्लासेस होती है बेटा इसके लिए आपको एक कोड की आवश्यकता होगी, एंड अगेन आप यहां पे IG सर कोड का प्रयोग कर सकते हैं, राइट। तो चलिए अब शुरुआत करेंगे आज के इस जबरदस्त से सेशन की। मैं अगर बात करूं आपके साथ कंपनीज एक्ट कल हम लोगों ने चालू किया था, कल हमने पढ़े थे कंपनीज एक्ट से रिलेटेड। क्या देखा था कि कंपनीज एक्ट के अंदर 470 सेक्शन होते हैं जिसको यहाँ पे इन्होंने डिवाइड किया है कितने चैप्टर्स के अंदर, सभी लोग बोलेंगे इन्होंने इसको 29 चैप्टर्स के अंदर डिवाइड किया है, 7 शेड्यूल्स अलग होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्यों कंपनीज एक्ट लाया गया उस चीज के रिगार्डिंग यहाँ पे चर्चा की गई थी। फिर हमने कंपनीज एक्ट की एकदम धुआंधार डेफिनेशन देखा जिसने अपने एकदम अलग से अंदर से हिला दिया अपने को कंपनीज एक्ट के डेफिनेशन। लेकिन उससे पहले एप्लीकेबिलिटी ऑफ एक्ट से रिलेटेड हमने चर्चा किए थे कि ये जो कंपनीज एक्ट होता है ये एप्लीकेबल है बेटा वो सारी कंपनीज जो इनकॉर्पोरेट हुई है अंडर दिस एक्ट और एनी ऑफ द प्रीवियस कंपनी लॉ। दूसरा इंश्योरेंस, बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी और तीनों के चेंज के अंदर अगर मैं बात करूं तो अगर ये इनकंसिस्टेंट होते हैं अपने रिस्पेक्टिव एक्ट के साथ तो ऐसे केस के अंदर घमासान युद्ध हुआ तो जीतने कौन वाले आप लोग जानते हो। उसके बाद अगर मैं बात करूं स्पेशल एक्ट के द्वारा अगर नोटिफाई किया गया उस चीज को भी लपेट लिया गया और फिर बोला गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर टाइम टू टाइम नोटिफाई करेंगी OG के अंदर मतलब ऑफिशियल गैजेट के अंदर या नोटिफिकेशन के थ्रू अगर स्पेसिफाई करेंगी तो ऐसे केस के अंदर हम लोग उसे भी कंपनीज एक्ट ठोक देंगे। क्या आप बात को समझ गए? बोलो हाँ सर, हाँ सर समझ गए, ठीक है आ जाइए। अब मैं अगर बात करूं आप लोगों के साथ अब हम लोग नेक्स्ट वाली चीज के ऊपर चलेंगे और नेक्स्ट वाली चीज में हमने सबसे पहला फीचर देखा था। फीचर में क्या था? सेपरेट लीगल एंटिटी का फीचर था। सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब क्या होता है कि कंपनी और कंपनी को बनाने वाले लोग ये दोनों अलग अलग पर्सन होते हैं, इनका आपस में दो जिस्म एक जान नहीं होते जैसे प्रोप्राइटर के केस में होता था वैसे यहां पे नहीं होता है, ठीक है। कंपनी अपने नाम पे बैंक अकाउंट खोल सकती है, कंपनी अपने नाम पे क्या कर सकती है शेयर्स एंड डिबेंचर्स को परचेस कर सकती है, वो सारा व्यक्ति जो एक लीगल पर्सन कर सकता है जो एक व्यक्ति कर सकता है वो सारी चीजें कंपनी डेफिनेटली कर सकती है। ये हमने जाना, ये हमने पढ़ा, ये सेपरेट लीगल एंटिटी हमने कुछ पोर्शन देखा था, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। इसके अंदर दो केसेस मैंने कल आपके साथ डिस्कस किया। सबसे पहला था मैकाउरा वर्सेस नॉर्दर्न अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। इनका कहना है कि मेंबर का तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट भी नहीं होता इन द प्रॉपर्टी ऑफ कंपनी, क्योंकि प्रॉपर्टी किसकी है? कंपनी की। तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट किसका होगा? कंपनी का होगा उनके प्रॉपर्टी के अंदर। मेंबर ऐसा नहीं बोल सकता कंपनी के प्रॉपर्टी के लिए मैं इंश्योरेंस निकालेंगा मैं कितना दरिया दिल करके, कोई दरिया वरिया दिल नहीं, समझ गए। तो ऐसे केस के अंदर कंपनी ही इंश्योरेबल इंटरेस्ट मतलब कंपनी का इंश्योरेबल इंटरेस्ट होगा उसके प्रॉपर्टी के अंदर, किसी और व्यक्ति का इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं हो सकता। समझिए आप खुद के बीवी का ही बेटा इंश्योरेंस निकाल सकते हैं, दूसरे के बीवी का निकालोगे पटके पड़ेंगे, है ना। तो अब मैं अगर बात करूं तो इसके अंदर मैकाउरा वर्सेस नॉर्दर्न अश्योरेंस कंपनी हम लोगों ने पढ़े थे। अब अगर मैं बात करूं आपके साथ फिर हमने सैलोमैन एंड सैलोमैन कंपनी लिमिटेड से रिलेटेड चर्चा की थी। अब सैलोमैन एंड सैलोमैन कंपनी लिमिटेड के अंदर हमने क्या पढ़ा, समझिए बात को। इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो हम लोग अभी हमने ये केस लॉ को पूरा पढ़ चुके हैं, ठीक है, ये केस लॉ को हम लोग पढ़ चुके हैं। अब बस इसको एक बार रीड करना बाकी रह चुका है, जहां पे मैंने आपको बताया था कि सैलोमैन एक बूट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, एक बूट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस रन करता है, जहां पे वो अपने बिजनेस को सैलोमैन एंड कंपनी लिमिटेड को
ट्रांसफर कर देता है, बेच देता है और उसके शेयर्स खुद और अपने बीवी बच्चों के नाम से ले लेता है, ठीक है। अब बाद में क्या होता है कि कंपनी लॉसेस में टर्न चले जाती है और ऐसे केस में क्रेडिटर्स का पैसा ड्यू हो जाता है, लेकिन ऐसा प्रोविजन है कि डिबेंचर्स वालों का पैसा पहले दिया जाएगा और बाद में क्रेडिटर्स वालों का पैसा दिया जाता है। तो ऐसे केस में डिबेंचर्स में से एक सैलोमैन ही था, तो क्या हम लोग सैलोमैन को पे करेंगे ये जानते हुए कि कंपनी उसने बनाई है, सारा झोल झपाटा उसी का है, फिर भी हम उसको पैसे देंगे? क्योंकि लॉ के नजरों में कंपनी और कंपनी बनाने वाला व्यक्ति अलग अलग होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। यहां पे इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। अगर आपने लेक्चर को लाइक नहीं किया तो पाप नहीं महापाप कर रहे हो आप, ठीक है। चलिए आइए आ जाओ, मैं अगर बात करूं आपके साथ, देखिए सैलोमैन वर्सेस सैलोमैन कंपनी लिमिटेड से रिगार्डिंग अब हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। इसको पढ़ना बचा हुआ, पढ़ना केवल शेष है, बाकी सब चीजें मैंने कल आपको ये वाली चीज में से बता दिया था। फिर अब हम लोग ऊपर वाले पॉइंट्स को कंसिडर करेंगे, ऊपर वाले पॉइंट्स को पढ़ेंगे जो बहुत जरूरी है बेटा, बहुत जरूरी है ना। चलो आ जाओ, देखो सुनिए क्या बोला है यहाँ पे। मिस्टर सैलोमैन वॉज कैरिंग आउट द बिजनेस ऑफ बूट मैन्युफैक्चरिंग एंड अ सोल मैन्युफैक्चरिंग। सोल मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है प्रोप्राइटरशिप में। ही इनकॉर्पोरेटेड अ कंपनी जिसका नाम क्या दिया, सैलोमैन एंड कंपनी लिमिटेड फॉर द पर्पज ऑफ टेकिंग ओवर ऑफ बिजनेस करके। अब देखो मैं कल एक चीज पढ़ रहा था, मतलब कोई पुराने लेक्चर के अंदर एक शायना कमेंट करता है क्या कि बोले ये सर तो केवल मॉड्यूल रीड कर रहे, बोले समझा तो नहीं रहे। तो मैंने इतना जबरदस्त कल ज्ञान दिया आपको, ड्रॉइंग वर्क बनाया, चित्रकला बना के आपको वो समझाना नहीं तो, और उसके बाद तो मॉड्यूल पढ़ूंगा ना, अब मॉड्यूल भी नहीं पढ़ूंगा उसके बाद तो फिर फायदा क्या बताइए मेरे को। बोले मॉड्यूल रीड करते, तो अब रीड नहीं तो क्या, ऐसे देखो सैलोमैन विज अ ब्रूट मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न रन करता था, उसके बाद उसने ट्रांसफर किया, अब ऐसे तो मैं कर नहीं सकता हूं, है ना। आइए ध्यान दीजिए, चलो अब उसके बाद देखिए, पेमेंट ऑफ द परचेस कंसीडरेशन बाय द कंपनी। अब कंपनी ने क्या किया, पेमेंट किया उस परचेस कंसीडरेशन का। परचेस कंसीडरेशन क्या होता है, आप अकाउंट्स में पढ़ते हो, मतलब क्या कि सामने वाले को बिजनेस करने के लिए आपने क्या, उसके बिजनेस को परचेस करने के लिए आपने क्या कंसीडरेशन दिया, उसको परचेस कंसीडरेशन बोला जाता है, ठीक है। देखिए टोटल कंसीडरेशन पाउंड 39,000 का दिया गया था, ये जो फिगर होती है इसे ऐसा पाउंड बोला जाता है, ठीक है। जैसे डॉलर के लिए ऐसा यूज करते हैं ना, रुपीस के लिए ऐसा यूज करते हैं, तो उस चीज को ऐसा पाउंड बोला जाता है, ठीक है। आइए देखिए, अब अगर मैं कहूं आपके साथ सिक्योर डिबेंचर्स 10,000 के दिए गए, इशूड टू सैलोमैन सिक्योर डिबेंचर्स, कैश पे हुआ 9,000 रुपए का, और उसके बाद अगर यहां पे शेयर्स इशू किए 20,000 रुपए के, बहुत बढ़िया। अब 6 मेंबर्स ऑफ द फैमिली ऑफ मिस्टर सैलोमैन वर इशूड 1 share ईच, क्योंकि पहले के जमाने में 1% कंपनी का कंसेप्ट नहीं हुआ था, ये 1% कंपनी का कंसेप्ट ही ये कंपनीज एक्ट 2013 में आया गया, ठीक है। आइए, सैलोमैन वाज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। मैनेजिंग डायरेक्टर मतलब जिसके पास पूरी पावर्स होती है कंपनी के, जो डिसीजंस ले सकता है मेजर, उस चीज को बोला जाता है मैनेजिंग डायरेक्टर। इन द कोर्स ऑफ कंपनी बोरोड अ सम ऑफ पाउंड 7,000 फ्रॉम द क्रेडिटर्स ड्यू टू ट्रेड डिप्रेशन, डाउनफॉल आया इंडस्ट्री में और कंपनी रैन इन टू फाइनेंशियल डिफिकल्टीज एंड इवेंचुअली वेंट इन टू लिक्विडेशन। लिक्विडेशन का मतलब होता है दिवाला निकलना, इंसानों का दिवाला निकलता है और कंपनी लिक्विडेशन में जाती है, ठीक है। हाँ, द असेट्स रियलाइज ओनली कितना, देखिए केवल और केवल कितना यहाँ पे पाउंड 6,000 विच कंपनी यूटिलाइज बाय पेइंग द सिक्योर डिबेंचर्स। ये जो सिक्योर डिबेंचर्स है ना, बोले इसको पे करेंगे। क्रेडिटर्स क्रोधित हो गए, बोला क्रेडिटर्स बोलते कि देखो ये व्यक्ति वही चे बोले है ना, वही व्यक्ति खुद को डिबेंचर दिया और अब बोलता है पैसे लेता हूं करके, ये तो गलत नहीं, बहुत ज्यादा गलत हो रहा, हमें बचाओ कोर्ट। लेकिन कोर्ट ने कहा नहीं, यहां पे सैलोमैन और उसने जो कंपनी बनाया है ये दोनों अलग अलग है, इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता। जज खुद कह रहा है यार मेरे भी पैसे फंसे हुए, मैं भी एक क्रेडिटर हूं करके, है ना। तो ऐसी भी चीजें, मतलब ये तो मजाक याद करने के लिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। आइए देखिए उसके बाद, द सिक्योर क्रेडिटर्स कंटेंडेड दैट वॉज कैरिंग बिजनेस इन द नेम ऑफ सैलोमैन कंपनी लिमिटेड, है ना। द सैलोमैन कंपनी वेर वॉज जस्ट अ मेयर एजेंट फॉर सैलोमैन, ये जो कंपनी लिमिटेड है ना, बट इट वॉज मेयर एजेंट फॉर सैलोमैन करके। तो ऐसे केस में इट वॉज हेल्ड दैट कोर्ट सैलोमैन वॉज अ रियल कंपनी फुलफिलिंग ऑल द लीगल रिक्वायरमेंट, इट्स आइडेंटिटी इज डिफरेंट फ्रॉम द मेंबर्स, देयरफॉर सिक्योर डिबेंचर्स वेर टू बी पेड इन प्रायोरिटी टू द अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स करके, है ना। तो आपको यहाँ पे समझ रहे बात को, आपको यहाँ पे क्या करना होगा, प्रायोरिटी के अंदर प्रायोरिटी उसको दी जाएंगी, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। बेटा सोगा मैंने ऑलरेडी पढ़ा लिया, अमनदीप जी अब ब्लॉक हो जाऊंगे, ऐसा गए यार तुम, यार समझते ही नहीं बात को, है ना। ऐसा मत करो, है ना, ब्लॉक हो जाते हो। अभी अभी आप दूसरे आईडी से करोगे तो मैसेज आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वो मैं नहीं करता हूँ, बैक एंड टीम है, मैं ब्लॉक नहीं करता, मैं टाइम आउट करता हूँ 5 मिनट के लिए, फिर वापस डाल सकते हैं इंसान मैसेज, है ना। तो मैं अगर बात करूँ आपके साथ तो समझिए, तो ऐसा मत कीजिए बेटा, है ना। मैं सोगा पढ़ा चुका हूँ, आप अगर चेक करेंगे मेरी वर्चुअल लाइब्रेरी की जो लिंक है bit.ly/igsirlive, ये लिंक के ऊपर क्या है, आपको सारी चीज़ें मिल जाती है, जितने भी मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर्स लिया हो ना, ये सारी सारी चीज़ें हो जाती है ना।
है, तो आपको ऐसा ये नहीं करना है बेटा, है ना। आ जाओ, चलो आओ, आओ ध्यान दो। अब मैं अगर बात करूँ आपके साथ, देखिए सेपरेट लीगल एंटिटी को अब हम लोग पढ़ते हैं, इसको आराम से अब हम लोग समझते हैं कि क्या हुआ। अपने को कंसेप्ट पूरा बैठ चुका है माइंड में। अब देखो आप, आपको कॉन्फिडेंट यहाँ पे रहना होगा कि यार आप सोच रहे यार मेरे को तो आता ही नहीं करके, ऐसा नहीं करने का। अपन ने पढ़ा अच्छे से, कंसेप्ट को पूरा पढ़ लिया, मैकाउरा वाला केस देखा, फिर ये सैलोमन भाऊ का केस देखा, तो ऐसे केस के अंदर अपने को, अब अपने को कंसेप्ट पूरा आता है, अब उसको बस टेक्निकल शब्दों में अपने को पढ़ना है, बाकी और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए आइए। देखिए मैं अगर बात करूँ आपके साथ क्या लिखा, a company is a legal person in the eyes of law distinct from its members करके, जो कंपनी होती है ना ये एक लीगल पर्सन है बेटा, इन द आईज ऑफ लॉ डिस्टिंक्ट फ्रॉम द मेंबर्स, मेंबर्स अलग होते हैं और कंपनी अलग होती है। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग होना करके, ठीक है, अलग होना। जैसे अपन ने देखा सैलोमन अलग व्यक्ति है और सैलोमन कंपनी लिमिटेड अलग व्यक्ति है, उसी प्रकार से मुकेश अंबानी अलग है और रिलायंस लिमिटेड अलग है, दोनों अलग अलग है। आई जी सर अलग है, ये वही कोड है जिसकी मदद से अभी आपको 20% डिस्काउंट मिल रहा है, और आई जी सर पानी पूरी प्राइवेट लिमिटेड अलग अलग है। अब कंपनी कोई भी हो सकती है, प्राइवेट, पब्लिक, ओपीसी, जो जो आप ध्यान में रख लो वो, तो कंपनी और उसको बनाने वाले व्यक्ति अलग अलग होते हैं। ठीक है, आइए उसके बाद, कंपनी है सेपरेट हैविंग इट्स ओन राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, कंपनी के खुद के अपने राइट्स होते हैं, खुद के उसके अपने ऑब्लिगेशंस होते हैं। मतलब कंपनी खुद के नाम पे असेट्स ले सकती है, कंपनी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है, कंपनी राइट्स को क्रिएट कर सकती है, ऑब्लिगेशंस को क्रिएट कर सकते हैं, सब कुछ कंपनी एक नॉर्मल इंसान जैसे कर सकती है, ऐसा यहाँ पे बोला गया। तीसरा, अ कंपनी कैन ओन अ प्रॉपर्टी, कंपनी खुद के नाम पे प्रॉपर्टी ओन कर सकती है, अपना बैंक अकाउंट खोल सकती है, लोन को रेज कर सकती है, उसके बाद लाइबिलिटीज इनकर करेंगी और एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, वही चीज मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। उसके बाद देखिए, इट इज अ लॉ अ पर्सन इज व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम द सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन करके, मतलब क्या कंपनी का वजूद क्या है, एमओए है बेटा, एमओए के थ्रू कंपनी, मतलब आपको समझ में आता है कि कंपनी क्या कर सकती है क्या नहीं कर सकती है करके, और वो टोटली डिफरेंट होती है एज कंपेयर टू मतलब मेंबर्स उससे। ठीक है, देखिए, इवन द मेंबर्स कैन कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी एक्वायर द राइट अगेंस्ट इट या इनकर्ड लाइबिलिटी टू इट फॉर द डेब्ट्स ऑफ the company, only creditors can sue it and not the members करके ऐसा बोल के रखा है कि देखो यार members liability वगैरह भी incur कर सकते हैं company के towards, लेकिन आप फिर sue नहीं कर पाओगे company को, क्योंकि company का कहीं ना कहीं आप control भी करते हो, हल्का फुल्का जो control करते हो आप, ऐसे केस में आप sue नहीं कर पाएंगे। creditor अगर कोई होगा तो sue कर पाएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आइए देखो फिर उसके बाद, डी, द मेंबर्स आर केपेबल ऑफ ओइंग एंड एंजॉइंग डिस्पोजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स ओन नेम, ऑल्दो द कैपिटल एंड असेट्स आर कंट्रीब्यूटेड बाय शेयर होल्डर्स, द कंपनी बिकम्स ओनर ऑफ द कैपिटल एंड असेट, द शेयर होल्डर्स आर नॉट द प्राइवेट या जॉइंट ओनर्स, क्या बोला यहाँ पे, आर नॉट द प्राइवेट या जॉइंट ओनर्स ऑफ कंपनीज प्रॉपर्टी। बहुत जोरदार चीज बोली है बेटा, अच्छी तरीके से ध्यान दीजिएगा, मैं आपको भी एक चीज समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, ये जो आखिरी वाली लाइन है ना, बहुत लोगों को समझते नहीं है और बहुत लोग इसे समझा भी नहीं पाते, दोनों वाली चीज आ जाती है यहाँ पे। अब मैं अगर बात करूं आपके साथ, देखिए मैं अगर कहूं क्या, अच्छी तरीके से ध्यान देना, देखो ये है कंपनी, ओ हो जबरदस्त सर मजा आ गया ड्राइंग देख के, देखो ये है कंपनी। अब ये जो कंपनी है ना, ये कंपनी क्या करती है, असेट को परचेस करती है, बहुत अच्छी बात है, असेट को परचेस करती है और लाइबिलिटीज को भी इनकर करती है ना। हाँ, अब ये कंपनी के पास ये असेट को परचेस करने के लिए या लाइबिलिटी को इनकर वगैरह करना है, तो उसका पेमेंट करने के लिए पैसा कहाँ से आने वाला है, पैसा इनको आने वाला है शेयर होल्डर्स से, पैसा आने वाला है किससे आने वाला है बोलो, शेयर होल्डर्स इनमें पैसा डालेंगे, जिसको आप मेंबर्स का दर्जा देते हो। हालांकि मेंबर्स और शेयर होल्डर्स में एक थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है, वो बताऊंगा मैं बाद में। तो ऐसे केस के अंदर यहां पे शेयर होल्डर्स और मेंबर्स पैसा लगाते हैं कंपनी के अंदर, वो पैसा जब आता है तो उससे वो असेट और लाइबिलिटी को इनकर करते हैं, असेट्स को और लाइबिलिटीज को पे ऑफ करते हैं वो पैसे से। मतलब बेसिकली सर ये असेट के लिए जो पैसा यूज हुआ है ये शेयर होल्डर को है। मान लीजिए एक शेयर होल्डर की मैं अगर बात करूं तो प्रिया कौन है बेटा, प्रिया एक शेयर होल्डर है। तो क्या प्रिया ऐसे बोल सकती क्या, ये जो एसी खरीदा है ना कंपनी ने, ये एसी कल चल के अगर कंपनी लिक्विडेट हुई तो ये मेरा होगा करके, ऐसा प्रिया बोल सकती क्या? प्रिया ऐसा बोल रही है कंपनी के पास जो एसी है वो मैंने दिया हूं, ऐसा नहीं बोल सकती। क्योंकि देखो यहां पे पूल ऑफ फंड्स होते हैं और ये पूल ऑफ फंड्स है ना, इससे असेट परचेस कर सकते, तो हम ऐसा ट्रैकिंग नहीं रख सकते कौन सा किसका फंड। तो इसलिए बोला जाता है कि जो शेयर होल्डर्स या मेंबर्स है वो कंपनी के असेट्स के कभी भी जॉइंट ओनर नहीं बनते हैं, वो क्या कंपनी के जॉइंट ओनर बनते हैं। कंपनी के जो असेट्स होंगे वो कंपनी के होते हैं, लेकिन कंपनी के अंदर जो डिवीजन होता है, कंपनी के जो शेयर्स होते हैं, कंपनी की जो ओनरशिप होती है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है कंपनी के असेट्स के नहीं। क्योंकि जब कंपनी का
आप शेयर लोगे या जब आप कंपनी का जॉइंट ओनर बनोगे या कंपनी के शेयर्स आपके पास होते हैं तो उसके अंदर असेट्स और लाइबिलिटीज दोनों को कंसिडर किया जाता है। आप बोलोगे केवल कंपनी के असेट का जॉइंट ओनर बना दो, ये क्या बात होगी, लाइबिलिटी को कौन पे करेगा फिर, है ना। तो ये वाली चीज यहाँ पे आ जाती है। क्या बात को समझ पा रहे जो मैं आपके साथ कहने की कोशिश कर रहा हूँ? मतलब मैं ये कह रहा हूँ आपके साथ कि यहाँ पे देखो क्या जितने भी असेट्स या जितने भी ओनर या कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट करता है एक शेयर होल्डर, तो ऐसे केस के अंदर वो प्राइवेट या जॉइंट ओनर कंपनी के प्रॉपर्टी का नहीं बनता, कंपनी का बनता है, कंपनी के प्रॉपर्टी का नहीं बनता। ऐसा मैं आप लोगों के साथ यहां पे कह रहा हूं। क्या बात को समझ गए? बोलो ना, बोलो। हाँ चलो आओ देखो नेक्स्ट वाली चीज। अब नेक्स्ट वाली चीज देखेंगे और वो कौन सा है? परपेचुअल सक्सेशन। कौन सा है बेटा? परपेचुअल सक्सेशन, है ना। मेंबर्स कम एंड गो बट कंपनी स्टे फॉरएवर। मतलब अगर मैं कहूँ आपके साथ ये जो परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है कि मेंबर्स काफी सारे मेंबर्स आएंगे जाएंगे लेकिन कंपनी हमारी चलती रहेंगी चलती रहेंगी चलती रहेंगी, इसे परपेचुअल सक्सेशन बोला जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ आप लोगों के साथ, समझिए बात को, ध्यान दीजिएगा, धीरूभाई अंबानी जी ने क्या किया था, रिलायंस को बनवाया था, बाद में कुछ इवेंट अनसर्टन इवेंट में उनके डेथ हो गई, तो ऐसे केस के अंदर क्या यहां पे कंपनी बंद हो गई क्या? नहीं, आज भी कंपनी चल रही है। हां सर, आज भी कंपनी चल रही है। उसी प्रकार से जेआरडी टाटा जी का भी मैं एग्जांपल ले सकता हूं, है ना। तो ऐसे केस के अंदर मैं ये कह रहा हूं आपके साथ कि जो कंपनी होती है ना, ये कंपनी को बनाने वाला, एक कंपनी को जन्म देने वाला कौन है? लॉ है। और उसको मिटाने वाला भी कौन हो सकता है? केवल और केवल लॉ हो सकता है, कोई इंसान इसको मिटा नहीं सकता। ऐसी वाली बात यहां पर बोली गई है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं आपके साथ कि जो परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है कंपनी कंटिन्यू करते रहेंगी, कंपनी मेंबर्स तो आते जाते रहेंगे लेकिन कंपनी कंटिन्यू करते रहेंगी जब तक वो किसी लॉ के द्वारा बंद नहीं हो जाती, जिसे लिक्विडेशन का नाम दिया जाता है। ये नाम आपने सैलोमैन कंपनी लिमिटेड वाले केस में सुना अभी, ठीक है। तो लिक्विडेशन का मतलब होता है कंपनी को लॉ के द्वारा बंद कर देना, क्योंकि कंपनी के असेट्स जो है वो काफी कम है एज कंपेयर टू लाइबिलिटीज उसकी, है ना। तो ऐसे केस के अंदर हम लोग बंद कर डालते हैं कंपनी के ऑपरेशंस को। तो मैं यहां पे ये कह रहा हूं आपके साथ क्या, मैं यहां पे ये कह रहा हूं कि मेंबर्स जो होते हैं ना बेटा, मेंबर्स में डाई और चेंज बट द कंपनी इज ऑलवेज गोन। आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, कैसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे, देखो एक कंपनी के चार डायरेक्टर और वो चार ही मेंबर भी है कंपनी के, तो ऐसे केस के अंदर क्या होता है, वो चारों है ना पुणे जा रहे थे किसी मीटिंग के सिलसिले में और उनका कार का एक्सीडेंट हो जाता है और सारे के सारे लोग मर जाते हैं। अब बताओ कंपनी का क्या होगा? करके आप बोलोगे कंपनी का कुछ नहीं होगा, कंपनी चलती रहेंगी क्योंकि कंपनी में परपेचुअल सक्सेशन होता है, कंपनी को जन्म देने वाला लॉ है तो उसको मिटाने वाला भी लॉ ही होने वाला है, ऐसा आपको लिखना होता है। समझ बात को, ये वाली चीजें यहां पे आ जाती है। क्या बात को समझ गए? चलिए देखिए, मैं अगर कहूं आप लोगों के साथ, चलो सर 60 डेज स्ट्रेटजी, बेटा क्या 90 दिन 60 दिन 45 दिन 20 दिन 10 दिन 5 दिन वही खेलते रहेंगे क्या, है ना। बाकी पढ़ाई छोड़ के स्ट्रेटजी खेलते रहो क्या, मैं बताओ मेरे को, है ना। स्ट्रेटजी दे दिया, वो 90 को अब 60 करेंगे, फिर 60 से वो 50 करेंगे, 50 से 30 करेंगे, लाऊंगा तो पक्के से वीडियो, लेकिन बात वो नहीं है। मतलब मैं आपको बता रहा हूं कि व्हाई, खैर चलिए आइए, मेंबर्स में डाई और चेंज, मेंबर्स में डाई और चेंज, ठीक है आइए, मेंबर्स में डाई और चेंज बट द कंपनी गोज ऑन टिल इट इज वाउंड अप ऑन द ग्राउंड स्पेसिफाइड बाय द एक्ट करके। मतलब क्या कि कंपनीज एक्ट ऐसे ग्राउंड्स के बारे में बताता है जिसके कारण एक कंपनी को हम लोग वाउंड अप कर सकते हैं, जिसके कारण एक कंपनी को हम लोग बंद कर सकते हैं, ऐसे एक ग्राउंड्स आते हैं। समझ रहे बात को, ये वाली चीज आती है। देखिए तो मेंबर्स में, फिर से मेंबर्स में डाई और चेंज बट कंपनी गोज ऑन टिल वाउंड अप ऑन द ग्राउंड स्पेसिफाइड बाय द एक्ट से रिलेटेड। अब देखिए क्या, द शेयर्स ऑफ द कंपनी में चेंज द हैंड इनफाइनाइटली। आज मेरे पास रिलायंस के शेयर है, मैं इसको बेच दूं किसी और के पास, वो उसे बेच दे, वो किसी और के पास, वो किसी और के पास, ऐसे शेयर्स ट्रांसफर होते रहेंगे, वो इनफाइनाइटली हैंड्स को चेंज करेंगे लेकिन वो कंपनी के एग्जिस्टेंस को अफेक्ट नहीं करते। कंपनी जैसी चल रही है वैसी ही चलने वाली है, ठीक है। सिंस अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, लॉ कैन अलोन ब्रिंग एन एंड टू इट्स लाइफ, इट्स एग्जिस्टेंस कैनॉट अफेक्ट बाय द डेथ या इंसॉल्वेंसी ऑफ मेंबर्स। उसके पूरे मेंबर्स मर भी गए या पूरे मेंबर्स अगर इंसॉल्वेंट भी हो गए, उससे कंपनी को कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कंपनी अपने आप में अलग पर्सन है, है ना। तो जब कंपनी अपने आप में अलग पर्सन है तो ऐसे केस के अंदर, बोलो ना, ऐसे केस के अंदर हम लोग क्या बोलेंगे कि यहां पे क्या वो अफेक्ट करने वाले है, क्या कोई अफेक्ट नहीं करने वाले, ठीक है। चलिए आइए, देन दीजिए, आ जाओ।
Example number one, many companies in India are in existence of over 100 years. This is possibly due to the fact that company has a perpetual succession. There was possibly a company which has 7 members and all of them died in an aircraft karke bas ye logo ko marne pe tula hai beta. Despite this, the company still exists unlike partnership form of business ya sole proprietor ke case mein khatam ho jati thi cheeze. Lekin yahan pe abhi bhi chal rahi hai beta, yahi to baat hai na, yahan pe yahi to baat hai. Chaliye pani piyenge aur uske baad hum log fir se continue karenge next wali cheez ke upar hai na. Ye car ka एक्सीडेंट हुआ और डायरेक्टर वगैरह मर गए. मैंने आपको ऐसा विजुअल इफेक्ट नहीं दिया, मैंने कहा कि अभी मेन है कंसेप्ट को कंप्लीट करना, ताकि फिर हो सके तो एक आधा और एक्ट ले लेंगे हम लोग. समझ में आ गया आप सब लोगों को? बोलो ना मुझे कि आप सब लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई मैं जो आपके साथ कहने की कोशिश कर रहा हूं, है ना? हाँ हाँ बोलो, हाँ हाँ आओ ध्यान दो. चलिए मैं अगर बात करूं आपके साथ, सुनिए मित्रों ध्यान दीजिए. आइए अब समझ में आ रही है, समझ में आ रहा है तो फिर यहाँ पे आपको लिखना होगा बेटा, यहाँ पे लिखना होगा आईजी. ऐसा कमेंट में लिख दो समझ में सब कुछ आ रहा है तो आईजी सर और हार्ट डाल दीजिएगा एक, है ना? हाँ बढ़िया वाला एकदम अच्छा वाला पूछा, ऐसा रेड रेड दिखना चाहिए मेरे को ऐसा पूरा, तब मजा आए. बाकी ऐसा मजा नहीं आता, यस सर बोल रहे हैं, गोच्चा बोल रहे हैं, है ना, समझू बोल रहे हैं, वो मजा नहीं आता. फिर आइए सर, कंपनीज एक्ट 15 अक्टूबर तक खत्म हो जाएगा. ऑब्वियस ऑब्वियस बिल्कुल से खत्म होगा, क्योंकि उसके बाद मुझे स्पेशल 26 भी तो लेना है बेटा. स्पेशल 26 3.2 भी तो आएगा इस बार, तो वो भी तो लेना है. तो ऐसे केस में तो ऑब्वियस कंप्लीट होगा. तुम बहुत देर चले गए, मैं तो बहुत पहले सोच रहा था यार तुम अब बोल रहे 15 तक कराओ, मजा नहीं आया. आओ सुनो मित्रों, ध्यान देंगे, फोकस करेंगे स्क्रीन के ऊपर. देखिए अब मैं आपके साथ बात करूंगा लिमिटेड लाइबिलिटी के फीचर के बारे में. कंपनी का एक बहुत ही अनोखा सा फीचर्स होता है, जिसका मतलब होता है लिमिटेड लाइबिलिटी. सबसे पहले लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? लाइबिलिटी का मतलब होता है ऑब्लिगेशन. ऑब्लिगेशन का मतलब होता है एक व्यक्ति की ड्यूटी, एक व्यक्ति की ड्यूटी अमाउंट को पे करने की, उसे बोला जाता है ऑब्लिगेशन. और ऑब्लिगेशन लाइबिलिटी के तहत आता है, मतलब ड्यूटी होती है किसी भी व्यक्ति को पे करने की. ठीक है, अब देखो अगर सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप फर्म होता ना, तो वहां पर बेटा समझना खुद के घर बार को बेच के, सब कुछ बेच के आपको क्या करना होता है, वहां पे अमाउंट को पे करना होता है. लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है, समझना बात को, यहां पे ऐसा नहीं है. कंपनी के केस में लिमिटेड लाइबिलिटी का फीचर वर्क करता है, जो ये कहता है क्या, वो ये कहता है कि अगर कंपनी की जो लाइबिलिटी होती है ना, वो लिमिटेड होती है, वो रिस्ट्रिक्टेड होती है, वो लिमिटेड होती है. सर कैसे लिमिटेड होंगी वो मैं अभी आपको बताने वाला हूं. ठीक है, तो यहां क्योंकि देखो यार समझो बात को, एक व्यक्ति की लाइबिलिटी, एक व्यक्ति की पर्सनल लाइबिलिटी अलग है. जब आपने यह बोला कि व्यक्ति और कंपनी अलग अलग पर्सन, तो सीधी सी बात है उनकी लाइबिलिटी भी अलग अलग होंगी. मतलब कंपनी की अपनी सेपरेट लाइबिलिटी होंगी और व्यक्तियों की अपनी सेपरेट लाइबिलिटी होंगी. अब सुनना बात को, अगर सुनो ये पर्सन जो मेंबर है उसकी अगर कंपनी के टुवर्ड्स कोई लाइबिलिटी है, उसको वो लाइबिलिटी फुलफिल करना होगा. लेकिन अगर कंपनी की बाहर कोई लाइबिलिटी है, तो उसके लिए वो मेंबर्स को धकेल सकता है क्या? मेंबर्स को नहीं धकेल सकता, वो मेंबर्स को नहीं बोल सकता आजा मुझे पैसे दे करके. मैं आपको चीजें बताऊंगा अच्छी तरीके से, ध्यान दीजिएगा, सुनिए बात को, मेरे को चीजें बताना है आपको, नहीं नहीं रुकना होगा आपको, है ना. देखिए मैं अगर कहूँ आप लोगों के साथ, कौन सी वाली चीज, मैं ये कह रहा हूं कि मान लीजिए ये कंपनी है बेटा, है ना, ये कंपनी है. कंपनी की जो लाइबिलिटी है वो कितनी है? कंपनी की लाइबिलिटी मान लीजिए 10 लाख रुपए. कंपनी के जो असेट है वो 6 लाख रुपए. 4 लाख की लाइबिलिटी जो है ना वो एक्सेस है. क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, कि हिमांशु जो ये कंपनी का ये है ना, हिमांशु जो मेंबर है, आईजी सर ये वही कोड है जो मेंबर है, और उसके अलावा अगर मैं बात करूं आपके साथ कृष्णा जो ये मेंबर है, तो ऐसे केस के अंदर क्या मैं ये बोल दूं कि इन तीनों से पैसा बुला लो? बोले 4 लाख कम पड़ रहे, एक और व्यक्ति का नाम ले लेते ना अपन, यहां पे प्रिया का नाम ले लेते, बोले यहां पे सबसे 1-1 लाख रुपए बुला लो, बोले ऐसा बोल सकते हैं क्या हम लोग? नहीं बोल सकते, समझिए बात को, नहीं बोल सकते. क्योंकि हां अगर सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप या कुछ होता तो जरूर से बुला सकते थे. अब आप बोलेंगे सर सोल प्रोप्राइटरशिप में 4 लोग कैसे है? मैं बोला ही नहीं ऐसा, मैं जरूर थोड़ी बोला, मैं पार्टनरशिप भी बोला, उसके बाद आप पार्टनरशिप भी सोच सकते थे, है ना, समझिए. अब मैं अगर बात करूं तो ऐसे केस के अंदर फिर अपन लोग 1 लाख ही जरूर से बुला सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन अगर कंपनी है तो हम नहीं बुला सकते. कंपनी के केस में जो लाइबिलिटी होती है ना, ये लिमिटेड होती है सर. लिमिटेड
लिमिटेड मतलब कितनी लिमिटेड, थोड़ा आइडिया दीजिए ना, मैं आपको बताता हूँ। देखो अगर कंपनी के आप आगे चल के बहुत सारे टाइप्स पढ़ने वाले हो, तो कंपनी अगर लिमिटेड बाय शेयर्स वाली चीज है, जैसे कि शेयर्स के द्वारा लाइबिलिटी लिमिट कैसे की जाती है, मैं आपको बताता हूँ, मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पे आईजी सर है ना, मेरे पास 1000 शेयर्स है बेटा, कौन से कंपनी के, आईजी सर पानीपुरी प्राइवेट लिमिटेड के, है ना। सब लोग बोल रहे सर हमें भी शेयर्स दे दो, लिस्टेड कर दो कंपनी को। मैंने कहा नहीं करूंगा लिस्टेड, मैं कंट्रोल नहीं शेयर करूंगा, ठीक है। अब देखिए सुनो, अब मैं अगर कहूं आपके साथ ये 1000 शेयर है, एक शेयर की वैल्यू कितनी है, 100 रुपए है, मैंने अभी तक 50 रुपए आपको कंफ्यूजन देगा, 60 रुपए मैंने अभी तक इसके ऊपर पेड अप कर दिया, क्या कर दिया, मैंने पे कर दिया अभी तक कंपनी को 60 रुपए पे कर दिया। मैं आपको एक बात बताऊं, कंपनी जब तुम, कंपनी क्या बोले, सुनिए बात को ध्यान दीजिए, कंपनी जब जब चाहे, क्या आपको लगता नहीं वो मुझसे ये 40 रुपए बुला सकती है, मतलब अनपेड, इसे मैं बोल सकता हूं अनपेड अमाउंट करके, कंपनी को जब 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 तुम चाहो अनपेड अमाउंट बुला सकते हो। तो उस चीज का मतलब क्या होता है कि जो आईजी सर की लाइबिलिटी है ना, वो अप टू अनपेड अमाउंट, क्या बोल रहा हूं मैं, वो अप टू अनपेड अमाउंट होती है कंपनी के टूवर्ड्स, ऐसा मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। मतलब यहां पे लाइबिलिटी लिमिट कर दी गई, मान लीजिए अगर कंपनी को 100 रुपए की भी जरूरत पड़ रही होगी, लेकिन आईजी सर से बुरे से बुरे हालत में वो कितना बुला सकते हैं, केवल और केवल 40 रुपए बुला सकते हैं। इस चीज को आप समझ लेना, बुरे से बुरे हालत में केवल 40 रुपए बुला सकते हैं। ये कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स वाला हुआ कि जहां पे लाइबिलिटी शेयर वाइज देखी जाती है, शेयर्स जो आपको अलॉट हुए ना उसके बाद, मतलब 40 रुपए इंटू 1000 शेयर्स होगा, मतलब 40,000 रुपए मुझसे बुलाए जा सकते हैं बुरे से बुरे हालत में, कितने रुपए की भी जरूरत पड़ जाए कंपनी को, मैं तो 40,000 ही दूंगा, इतना फिक्स हो गया मेरी, उसके ऊपर लाइबिलिटी नहीं है। अगर उससे ऊपर मैं पैसा दे रहा हूं तो वो लोन के तौर पर मैं कंपनी को दे सकता हूं, वो बात अलग है, लेकिन ऐसे मैं केवल और केवल 40,000 रुपए ही दे सकता हूं अपने शेयर के टूवर्ड्स। क्या आप ये बात को समझे, कहो ना मुझसे, हाँ आओ देखिए। उसके बाद देखो नेक्स्ट वाली चीज, अब लेकिन अगर कंपनी, ये कौन सा हुआ लिमिटेड बाय शेयर्स वाली कंपनी, अच्छा इतना पढ़वा देता हूं मैं आपको। देखो द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स डिपेंड्स अपॉन द काइंड ऑफ कंपनी इन विच ही इज अ मेंबर। वी नो दैट कंपनी एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम द मेंबर्स। ऊपर के पॉइंट को रिवाइज किया है, बोले भूल गए होंगे, है ना, 3-4 पॉइंट हो गए तो भूल गए होंगे। आइए पहला, दस इन केस द लिमिटेड लाइबिलिटी मेंबर, मैं लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी के लिमिटेड बाय शेयर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। द डेप्थ ऑफ द कंपनी इन टोटालिटी डू नॉट बिकम द डेप्थ ऑफ द शेयर होल्डर। The liability of the member of the company is limited to the extent of the nominal value of shares held by M. मतलब क्या कि जो नॉमिनल मतलब फेस वैल्यू, जितने फेस वैल्यू के वो शेयर्स है, केवल और केवल उतना हम लोग पे करने वाले, उससे ऊपर नहीं। मतलब इन नो केस शेयर होल्डर कैन बी आस्क्ड टू पे मोर देन द अनपेड वैल्यू। 40 रुपए से ज्यादा कभी भी नहीं बुला सकते, जो करना है कर लो, पे तो एक्सेस में 40 रुपए ही होने वाला है, ऐसा यहां पे लिख के रख दिया। मतलब इनका कहना है कि कंपनी की लाइबिलिटी मेंबर की लाइबिलिटी कभी नहीं बनेगी, कंपनी की लाइबिलिटी मेंबर की लाइबिलिटी नहीं बनेगी, यहां पे शेयर होल्डर केवल और केवल अनपेड अमाउंट जितना ही बुला सकता है पेमेंट, उससे ज्यादा नहीं बुला सकता, ऐसा ये लोग कह रहे हैं। अगर आपको समझ गए आपको क्या करना है, आप लोग जानते हो आईजी सर और हां है ना। चलिए आइए उसके बाद देखो क्या, अब मैं सेकंड टाइप ऑफ कंपनी के ऊपर चल रहा हूं, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, क्योंकि ये काइंड्स ऑफ कंपनी के हिसाब से खेल रहे हैं बेटा। ऊपर खेला लिमिटेड बाय शेयर, दूसरा खेला कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी से रिलेटेड, ठीक है। अब देखिए कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी क्या कहता है, अच्छी तरीके से ध्यान दीजिएगा। देखो ये एक कंपनी है, ठीक है, हाँ, और ये लिमिटेड है वाया लिमिटेड बाय गारंटी है। कौन सी है, सभी लोग बोलेंगे ये लिमिटेड बाय गारंटी है, बोलो ना सब लोग क्या है लिमिटेड बाय गारंटी। सर ये लिमिटेड बाय गारंटी क्या होता है, अच्छे से सुनना बात को। मान लीजिए इस कंपनी के 4 शेयर होल्डर, कौन कौन, मैं, आईजी सर, मेरे साथ कौन बनेगा, विवेक बनेंगे, है ना, विवेक, है ना, सल्लू भाई वांट्स टू नो योर लोकेशन। उसके बाद कौन, आलेख बनेंगे, आलेख बनेंगे, उसके बाद कौन बनेंगे, और इनविजिबल भाई साहब ये कैसा नाम है, और रिया बनेंगी, ठीक है, यस, 4 शेयर होल्डर्स हमारे होने वाले, 4 शेयर होल्डर्स ये कंपनी के होने वाले हैं। हाँ बाकी भी बहुत सब लोग को बनाऊंगा बेटा, किसी को डायरेक्टर बना दूंगा, चिंता मत करो, है ना। आओ अब देखो ये 4 शेयर होल्डर और ये कंपनी कैसी है, लिमिटेड बाय गारंटी वाली कंपनी, लिमिटेड बाय गारंटी, ठीक है, ओके सर, ओके, है ना।
तो देखो लिमिटेड बाय गारंटी के केस में क्या होता है, हम सब लोगों ने यहाँ पे वादा किया है कंपनी से, वैसे यहाँ पे शेयर वाइज वादा भी कर सकते हैं या एक लमसम अमाउंट निकल जाता है, शेयर वाइज भी करूंगा तो इन टोटालिटी में तो लमसम अमाउंट निकलेगा। तो मान लीजिए हमने सबने इक्वल वादा किया है कि हम आपको 10,000 ईच रुपए देंगे। सर कब देंगे ये बताओ, ये पैसा दिया जाने वाला है नॉर्मल लाइबिलिटी के लिए क्या? नहीं, नॉर्मल लाइबिलिटी के लिए पैसा, देखो ऊपर वाले केस में क्या था, ये जो 40 रुपए है ना, कंपनी कभी भी बुला सकती है, कंपनी को पैसे की जरूरत है, कंपनी को बिजनेस ग्रो करना है, 40 रुपए बुला लिए, है ना, यहां पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन यहां पे रिस्ट्रिक्शन है बेटा, और कैसा रिस्ट्रिक्शन मैं बताता हूं। देखिए यहां पे जो रिस्ट्रिक्शन है वो कुछ इस कदर है कि यहां पे बोला जाता है कि जब कंपनी लिक्विडेट होंगी, मतलब जब कंपनी का दिवालिया निकलेगा ना, कंपनी जब लिक्विडेट होंगी केवल और केवल तब वो पैसा बुला सकती है। कौन सा? ये वाला पैसा, केवल और केवल तब बुला सकती है, और वो भी कितना? ओनली अप टू द अमाउंट, मतलब 10,000 ईच। जैसे मैं आपको एग्जांपल ले लेता हूं तो आपको चीजें समझेंगी। मान लीजिए कंपनी के जो असेट्स है वो है 1,00,000 रुपए के, ठीक है, बहुत बढ़िया। कंपनी की जो लाइबिलिटीज है वो है 2,00,000 रुपए की। तो ऐसे केस के अंदर कितना पैसा ज्यादा लग रहा है हमको? 1,00,000 रुपए हमको और चाहिए। लेकिन यहां पे कितना बुलाया जा सकता है? केवल और केवल यहां पे 40,000 रुपए बुलाया जा सकता है। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, ये पहला सिनेरियो हुआ। दूसरे सिनेरियो की आप लोगों के साथ बात करूंगा। कंपनी के असेट्स है कितने के? 50,000 रुपए के। कंपनी की लाइबिलिटीज कितनी है? 1,00,000 रुपए की। तो ऐसे केस के अंदर कितना बुला सकते हैं? एक्सेस अपने को कितने की जरूरत है? 50,000 की जरूरत है, बुला अपन लोग 40,000 ही सकते हैं। मान लीजिए कंपनी के पास असेट है 70,000 रुपए के, ठीक है, हाँ। कंपनी की जो लाइबिलिटीज है वो है 1,00,000 रुपए की। एक्सेस कितना अपने को चाहिए? 30,000 रुपए अपने को और चाहिए। बुला कितने सकते? 30,000 ही बुला सकते हैं। 40,000 किसने बोला? गजकू, है ना। तो 30,000 जितने की जरूरत उतना ही बुलाओगे ना बेटा, वो सामने वाले लुटाने के लिए थोड़ी बैठे हैं, है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना, केवल और केवल इतना ही पैसा फिर यहां पे क्या कर सकते हैं? बुला सकते हैं हम लोग। 10,000 ईच की बात हुई है ना, तो चार लोग है तो 10,000 × 4 = 40,000 सबको समझ में आ गया? बोलो आई जी सर, है ना। तो ये वाली चीजें यहां पे आ जाती है। मैथ तो मेरा जबरदस्त था ही पहले से, पर कभी कमेंट नहीं किया। आओ देखो, the members are liable only to the extended amount guaranteed by them and that too only when the company goes into liquidation। मतलब यहाँ पे कंपनी का दिवाला निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कंपनी का दिवाला नहीं निकला, सॉरी हम पैसे नहीं दे सकते, आई एम रियली सॉरी, हम पैसे नहीं दे सकते। समझ गए बात को, अपन सीधा यहाँ पे बोल रहे हैं, ठीक है, क्या आप ये बात को समझ गए? नहीं नहीं बोलो ना, अब बोल नहीं रहे, है ना। आइए अब तीसरी वाली चीज, however, लेकिन अगर अनलिमिटेड कंपनी आप बनाते हो तो यहाँ पे members की liability अनलिमिटेड हो जाती है। अनलिमिटेड कंपनी है तो लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड, मतलब यहां पे क्या कि जितने पैसे की रिक्वायरमेंट होंगी उतना मेंबर्स बोल रहे हैं हम आपको देंगे, तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है अपने को, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, है ना। आई अब मैं आपके साथ बात करूंगा यहाँ पे कौन सी चीज के रिगार्डिंग, बहुत ही एक छोटा सा पॉइंट है उस चीज के रिगार्डिंग बात करूंगा, और जिसका नाम कौन सा है, कम ऑन एवरीवन, जिसका नाम है आर्टिफिशियल लीगल पर्सन से रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे। ये आर्टिफिशियल लीगल पर्सन क्या होता है, या आर्टिफिशियल लीगल पर्सन कौन से चीज के बारे में बात करता है, ये सारी चीजों को हम लोग अब समझने वाले हैं, ठीक है, चलो आ जाओ देखेंगे, सभी लोग अच्छी तरीके से ध्यान देंगे। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन और उसके बाद कॉमन सील, केवल आखिरी दो पॉइंट बचे हुए, उसके बाद हमारा फीचर्स कंप्लीट हो जाएगा। यस कम आओ, अच्छा देखो मैं अगर बात करूँ आपके साथ, तो अभी हम लोग फीचर्स हुए, फिर हम लोग कॉर्पोरेट वेल को समझेंगे, और कॉर्पोरेट वेल होने के बाद जब लिफ्टिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट वेल हो जाएगा, हम लोग समरी बना लेंगे, जितना भी हमने पोर्शन लिखा है एक दिन देंगे और पूरी समरी कंप्लीट कर लेंगे। मान लो वो चीज़ जल्दी हो जाती है, परसों हमारा कॉर्पोरेट वेल जल्दी खत्म हो जाता है ना, तो ऐसे केस के अंदर दो दिन लिख के हम लोग जितनी समरी हो सकती है उतनी फटाफट फास्ट लिख के हम लोग निपटा देंगे। समझ गए बात को, चलिए आइए अब तीसरे चीज की बात करूंगा मैं आपके साथ आर्टिफिशियल पर्सन, लेकिन उससे पहले मुझे पहले पूरी जो अपन ने तीन चीज़ें पढ़ी उसको बता दीजिए। सबसे पहले अपन ने क्या देखा था, देखो सबसे पहले अपन ने देखा था सेपरेट लीगल एंटिटी, और उसके बाद अपन ने क्या देखा था, उसके बाद अपन ने देखा परपेचुअल सक्सेशन, फिर अपन ने क्या देखा, तीसरा लिमिटेड लाइबिलिटी वाली चीज देखी। ये तीनों चीजें क्या आपको याद है, अच्छी तरीके से याद है, आपके माइंड में बैठ चुका है, है ना। आइए चलिए, ये फास्ट नहीं है, ये नॉर्मल स्पीड है। अगर आपको दिसंबर में अटेम्प्ट देना है तो आपको ये इतने स्पीड से पढ़ना ही पड़ेगा बेटा, इससे ज़्यादा मैं क्या स्लो जा सकता हूँ। मैं रिवीजन करवा रहा हूँ, बता रहा हूँ, डिटेल एग्जांपल दे रहा हूँ, और क्या चाहिए आपको, है ना। अब आप बोलोगे एकदम एक एक वर्ड को मजे ले लेके बोलूँ, तो वैसा तो पॉसिबल नहीं है ना। आइए सर, पार्टनरशिप का यूनिट 3 अपलोड कर दो, अपलोड ऑलरेडी आप चेक कर लीजिए, वो जो लिंक है उसके ऊपर आप चेक कर लीजिएगा, bit.ly/igsirlive उसके ऊपर अवेलेबल है, मेरे को पता है, मेरे को आइडिया है अच्छी तरीके से, है ना। चलिए हम्म
और देखो अब हम लोग बात करेंगे आर्टिफिशियल लीगल पर्सन से रिगार्डिंग, हम लोग चर्चा करेंगे कि ये आर्टिफिशियल लीगल पर्सन क्या होता है और ये क्या चीजों के रिगार्डिंग बात करता है। मैं अगर बात करूं आप लोगों के साथ तो समझिए बात को, ये जो कंपनी होती है ना, अच्छे से ध्यान देना, ये जो कंपनी होती है ना बेटा, ये कंपनी क्या है, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन का दर्जा इसे दिया जाता है। सभी लोग बोलेंगे कंपनी को क्या दिया जाता है, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, इसे नेचुरल पर्सन नहीं बोल सकते। नेचुरल पर्सन हम जैसे लोग होते हैं जो सांस ले हुए, समझ रहे बात को, जिसको हम लोग जेल में डाल सकते हैं, जो शादी करे है ना, तो ऐसे जिनके साथ खैर जान। तो मैं अगर बात करूं आप लोगों के साथ तो सुनिए मित्रों, ध्यान दीजिए। तो ऐसे केस के अंदर मुझे ऐसा लगता है एक और व्यक्ति के जाने का समय आ गया है। अब मैं अगर कहूं आपके साथ, देखिए तो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन जो है ना, ये आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, ये जो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, इसका मतलब ये होता है कि ये एक नेचुरल पर्सन के जैसे कुछ एक्टिविटीज को कर सकता है, लेकिन ये एग्जैक्टली चीजों को कॉपी नहीं कर सकता। समझ रहे बात को, ये एग्जैक्टली चीजों को कॉपी नहीं कर सकता, उस चीज की चर्चा हुई है। मतलब मैं ये कह रहा हूं आप लोगों के साथ कि आर्टिफिशियल लीगल पर्सन का मतलब होता है कि कंपनी को बनाने वाले कौन है, लॉ है बेटा, समझना। अदर देन, अरे यार क्या फालतू चीज लिखते, देखो यहां पे, अ कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय द प्रोसेस अदर देन द नेचुरल बर्थ, है भगवान, बस यही देखने के लिए तुमने जीवित रखे अभी तक, है ना। आई, इट इज अ लीगल एंड जुडिशियल क्रिएटेड बाय द लॉ, इट इज अ पर्सन सिंस इट इज क्लॉथ विद ऑल द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल करके। मतलब बेसिकली अगर मैं कहूँ उसको राइट्स जो दिए गए हैं ना बेटा, वो राइट्स एक इंडिविजुअल की नजर से दिए गए, जैसे एक इंडिविजुअल के पास राइट्स होते हैं ना, कुछ उस कदर उस व्यक्ति को राइट्स मिले, ऐसा यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। तो वैसे उसे राइट्स मिले हैं, अच्छा बहुत बढ़िया, लेकिन वो प्रोसेस कौन सा, लॉ से क्रिएट हुआ, जन्म उसने लॉ से लिया है, लेकिन उसको इंडिविजुअल वाले हमने राइट दिए, जैसे कोई मतलब कंपनी अपने नाम पे असेट खरीद रही है, बैंक अकाउंट ओपन कर रही है, सारी चीजें खेल तमाशे कंपनी कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। चलिए आइए देखिए फिर क्या, फर्दर, फर्दर मतलब मुझे कुछ और कहना है करके। मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है ना, ये एक्सटेंडेड हैंड है बेटा, कौन से चीज का, सेपरेट लीगल एंटिटी का। सेपरेट लीगल एंटिटी ने क्या बोला, कंपनी अलग होती है मेंबर्स से, और आर्टिफिशियल पर्सन बोल रहा है वो जो कंपनी अलग है मेंबर्स से, वो नेचुरल पर्सन जैसी कई सारी चीजें कर सकते हैं, पूरी नहीं लेकिन बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, जैसे लायबिलिटी को इनकर किया, लोन उठाया, है ना, ऐसी बहुत सारी चीजें ये लोग कर सकते हैं, असेट को परचेस किया, वो वाली चीजें यहां पे बोल रही है। देखिए, द कंपनी बीइंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी कैन ओन प्रॉपर्टी एंड बैंक अकाउंट, इनकर लायबिलिटी, इवन द मेंबर्स कैन कॉन्ट्रैक्ट विद कंपनी, एक्वायर राइट अगेंस्ट इट एंड इनकर लायबिलिटी टू इट, इट कैन स्यू एंड बी स्यूड इन इट्स ओन नेम। मतलब कंपनी दूसरे के ऊपर केस कर सकती है और लोग कंपनी के ऊपर भी केस कर सकते हैं, ऐसा यहां पे बोला जा रहा है। इट कैन डू एवरीथिंग जो एक नेचुरल पर्सन करता है, एक्सेप्ट बी सेंट टू अ जेल, टेक ओथ या मैरी और प्रैक्टिस अ लर्न प्रोफेशन, hence it is a legal person in its own sense। तो वो अपने आप में एक लीगल पर्सन है, लेकिन उसका सेंस उसी को पता, ऐसा यहाँ पे बोल रहे हैं, बहुत ही फालतू। आइए उसके बाद क्या, एज अ पर्सन, एज अ कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन। अब देखिए सुनिए क्या, ये क्या, इट कैन एक्ट ओनली थ्रू सम ह्यूमन एजेंसी दैट इज डायरेक्टर करके। अब कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, अब कोई व्यक्ति पूछ रहा था सर फिर वो साइन कैसे करते है? तो उसने अपने एजेंट बना के रखे जिसका नाम होता है डायरेक्टर करके, और ये डायरेक्टर कंपनी के भी आप में साइन करते हैं कॉन्ट्रैक्ट में, मतलब एंटर करते हैं और ये सारी चीजें कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाली बात यहां पे कि उन्होंने अपने एजेंट बना के रखे, ह्यूमन एजेंट बना के रखे जिसका नाम डायरेक्टर यहां पे दिया जा रहा है। डायरेक्टर कैनॉट कंट्रोल द अफेयर्स ऑफ कंपनी एंड एक्ट एज एजेंसी, बट दे आर नॉट द एजेंट्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। मतलब देखो क्या बोला यहां पे, जो डायरेक्टर होते हैं ना बेटा, जो डायरेक्टर होते हैं ये एजेंट है किसके, ये एजेंट है कंपनी के, दो कंपनी किसकी है, मेंबर्स की है, है ना, कंपनी मेंबर्स के। तो इसका मतलब ये नहीं ए इक्वल टू बी और बी इक्वल टू सी, मतलब ए इक्वल टू सी करके, ऐसा नहीं है यहाँ पे, समझना, ये फीचर फेल यहाँ पे। मतलब क्या, देखो सुनो बात को, मैं जो कह रहा हूँ आपके साथ, ऐसा नहीं हो सकता कि डायरेक्टर जा रहे और मेंबर जा रहे और बोल रहे ए मुक्कू चाय ला एक, है ना, ऐसा नहीं बोल सकते, समझ रहे बात को। ये एजेंट कंपनी के एजेंट है, वो मेंबर्स के एजेंट नहीं है, इस चीज को ध्यान रख लो, ऐसा मैं नहीं, ऐसा ये बोल रहा है, ठीक है। देखिए, तो डायरेक्टर cannot control affairs of the company and act as agency, but they are not the agents of the members। ये उसका मतलब होता है, they are not the agents of the members, members के agent नहीं है वो, ठीक है, of the company। Director can either on their own or through a common seal can authenticate the formal acts। मतलब common seal का मतलब होता है एक official signature of the company। जैसे company सीधी सी बात है अपने जैसे ऐसा sign वाइन कर सकती है क्या, नहीं कर सकती। तो company अपने agent के through sign कराती है, और वो जो जिसके मदद
से वो साइन कराती है उसे कॉमन सील बोला जाता है, ऐसा यहाँ पे बोल रहा है। इसलिए कंपनी को आर्टिफिशियल लीगल पर्सन बोला गया है। क्या आप बात को समझ गए? और समझ गए तो क्या करना है, है ना? चलो जल्दी से चलिए आइए उसके बाद। देखो मैं अगर बात करूं आपके साथ, फिफ्थ पॉइंट के ऊपर मैं चल रहा हूं अभी, जिसका नाम क्या है, कॉमन सील। ये पॉइंट जैसे ही आपका खत्म हुआ उसके बाद चीजें अपनी फिनिश, मतलब फीचर्स अपने फिनिश हो जाते हैं, तो आपका एक बढ़िया सा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, जिसका नाम क्या है कि व्हाट एक्सप्लेन मीनिंग ऑफ कंपनी, राइट व्हाट इज अ व्हाट डू यू मीन बाय कंपनी करके एंड एक्सप्लेन इट्स फीचर्स। तो बढ़िया तरीके से एक सवाल बन सकता है, 7 मार्क के लिए, 6 मार्क के लिए सवाल बन सकता है ये। तो अपना एक अच्छा खासा चीजें समाप्त हो जाती है। अब ये कॉमन सील का मतलब क्या होता है? कॉमन सील का मतलब मैंने अब भी कुछ देर पहले आपको बताया, इसका मतलब होता है ऑफिशियल ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ कंपनी। अब कंपनी खुद से साइन नहीं कर सकती, तो उसने क्या बोल रखा है कि हम हमारे एजेंट के थ्रू साइन करवाएंगे। मैं तो खुद से नहीं कर पा रहे ना, देखो समझो यार, मैं तो खुद से साइन नहीं कर पा रहे, तो ऐसे केस के अंदर हमारे जो एजेंट है ना, वो हमारे बिहाफ में क्या करेंगे, वो हमारे बिहाफ में जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे कंपनी में, वो डॉक्यूमेंट्स में ऑफिशियल ठप्पा ऑफिशियल सिग्नेचर लगाएंगे कंपनी का। अगर वो डॉक्यूमेंट में ऑफिशियल सिग्नेचर है हमारे कंपनी का, तो कंपनी उसके लिए लायबल रहने के लिए, जिम्मेवार रहने के लिए तैयार है। लेकिन अगर किसी डॉक्यूमेंट के अंदर ऑफिशियल सिग्नेचर नहीं रहा कंपनी का, तो कंपनी विल नॉट बेयर द लॉस। आपको जो लेना देना वो डायरेक्टर से पर्सनली लेना देना होगा, मेरे को बीच में नहीं डालेंगे। अगर मेरे थ्रू बात करना है तो ऑफिशियल सिग्नेचर होंगी, तब जाके बात करेंगे। इसके अंदर कुछ 2015 में चेंजेस भी आए, वो चेंजेस के रिगार्डिंग में मैं चर्चा करूंगा आपके साथ, लेकिन अभी आप केवल इस पे ध्यान दो मैं जो कॉमन सील बता रहा हूं, ठीक है। अब एक व्यक्ति, नॉर्मल व्यक्ति तो साइन कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है, लेकिन व्हाट कंपनी करे तो उसका क्या होगा, व्हाट विल बी द इफेक्ट इफ कंपनी एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। सो इफ द कंपनी एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, देन हु विल साइन ऑन द बिहाफ ऑफ कंपनी, ऑब्वियसली डायरेक्टर्स विल साइन। तो डायरेक्टर्स विल यूज द ऑफिशियल सिग्नेचर, दैट इज द कॉमन सील, और फिर वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेगा। और जब ये कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेगा, तो ऐसे केस के अंदर कंपनी विल बी ऑफिशियली लायबल फॉर दैट कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा हम लोग यहां पे कह सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, अ कंपनी बीइंग अ आर्टिफिशियल पर्सन इज नॉट बेस्टोड विद द बॉडी ऑफ नेचुरल बीइंग, देयरफॉर इट वर्क्स एज अ एजेंसी फॉर ह्यूमन बीइंग्स करके। अब ह्यूमन यहां पे बोल रहा है कि कंपनी के नेचुरल ऐसे हाथ-वाथ नहीं होते जिससे वो साइन करे, तो वो डिपेंडेंट होता है ह्यूमंस के ऊपर। कॉमन सील इज अ ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ अ कंपनी व्हिच इज अफिक्स्ड बाय द ऑफिसर्स या एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी ऑन एवरी डॉक्यूमेंट, ठीक है, वो सारे डॉक्यूमेंट के ऊपर। अब देखिए यहां पे क्या, The common seal is used by the corporation as a symbol of incorporation. ये बहुत important line है बेटा। जब common seal हो जाए ना, तो जब आप एक company के पास common seal होता है, तो एक प्रकार से ये proof की तरह काम करता है कि कंपनी जो है ना वो इनकॉर्पोरेट हो चुकी है। इनकॉर्पोरेट मतलब कंपनी लॉफुली जन्म ले चुकी है करके, ऐसा उस चीज का मतलब होता है, ठीक है। आइए अब देखो, 2015 में कुछ अमेंडमेंट हुआ था, कुछ अमेंडमेंट आए थे कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट के हिसाब से, तो यहां पे इन्होंने क्या किया, कॉमन सील को ऑप्शनल कर दिया। कॉमन सील को क्या कर दिया, ऑप्शनल कर दिया। बोले अगर आपकी इच्छा हो तो आप कॉमन सील का इस्तेमाल करना, या हम आपको एक अल्टरनेटिव मोड सौंप देंगे, आपको जैसा लगे वैसा करो। और वो जो अल्टरनेटिव मोड भी सौंपा है, उसमें भी कुछ नहीं, एक व्यक्ति को कॉमन सील की तरह यूज किया जा रहा है, जिसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। देखिए यहां पे कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट कॉमन सील बिकम्स ऑप्शनल बाय ओमिटिंग द वर्ड्स एंड कॉमन सील फ्रॉम सेक्शन 9 सो एज टू प्रोवाइड अल्टरनेटिव मोड ऑफ अथराइजेशन हु ऑप्ट नॉट टू हैव अ कॉमन सील। देखिए यहाँ पे है ना, सेम रैशनल अमेंडमेंट फॉर दिस अमेंडमेंट दैट इज अ कॉमन सील इज सीन एज अ रिलिक ऑफ मेडिवियल टाइम्स, इवन इन द यूके कॉमन सील हैज बीन मेड ऑप्शनल सिंस 2006। तो समझ रहे हो कहाँ से आया है। देखो मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, अभी इन्होंने यहाँ पे ये पंक्ति नहीं भी देते तो अपने को पता चलता क्या, नहीं पता चलता, लेकिन इन्होंने अब दिए कि देखो, बोले देखो नहीं नहीं देख ही लो बोले तुम हमको, है ना, आ जाओ। अब उसके बाद, दिस अमेंडमेंट प्रोवाइड्स दैट एवरी डॉक्यूमेंट विच नीड टू बी ऑथेंटिकेटेड बाय द क्या कॉमन सील विल बी रिक्वायर्ड टू बी डन सो ओनली इफ द कंपनी ऑप्ट टू हैव अ कॉमन सील। मतलब क्या, डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट, डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिकेट की रिक्वायरमेंट जिसके ऊपर कॉमन सील लगेगा, केवल और केवल तब जब कंपनी ऑप्ट करती है, ओके वी विल हैव कॉमन सील। लेकिन देखिए, जहां पे कंपनी ऑप्ट नहीं करती है कॉमन सील को, वहां पे ऑथराइजेशन कौन करेगा, एक तो दो डायरेक्टर्स, समझिए, एक तो दो डायरेक्टर करेंगे,
या एक डायरेक्टर और कंपनी सेक्रेटरी करेगा अगर कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट किया गया है कंपनी के द्वारा। देखो हर कंपनी के अंदर कंपनी सेक्रेटरी ऐसे अपॉइंट नहीं करते, कुछ कंपनी सेक्रेटरी को कंपनी के अंदर अपॉइंट करने के भी कुछ इन्होंने पैरामीटर्स दे के रखे तो वो करती है। अगर कोई नहीं करती है तो ऐसे केस में दो डायरेक्टर साइन कर देना है ना, उतना टर्न ओवर लिमिट, उतना प्रॉफिटेबिलिटी, उतना नेटवर्थ पे नहीं पहुंचे कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप एक काम कर लो डायरेक्टर को ये कर लीजिए, दो डायरेक्टर्स को मिलकर साइन कर लीजिए। तो देखो मैं आपके साथ एक प्यारा सा चार्ट बनाने की कोशिश करूंगा, कोशिश मतलब मैं बना के दूंगा आपको लिखना होगा है ना। कॉमन सील, कॉमन सील यहां पे आपको ऑप्शनल आता है, ठीक है ऑप्शन यहां पे आप कॉमन सील को चूज करते हो तो आप इसी से साइन करेंगे, फिर तो किस्सा ही खत्म। लेकिन यहां पे आप सोचते हो कि अपने को क्या चाहिए, अपने को कॉमन सील नहीं चाहिए, सॉरी एक चीज गलत हो गया, यहां पे होना चाहिए था डॉक्यूमेंट ऑथेंटिकेशन, ठीक है ये वाली चीज। हाँ कॉमन सील को ऑप्ट नहीं करते तो आपके पास हम लोग क्या देंगे, दो चीजें देंगे, एक तो दो डायरेक्टर मिलके साइन करना या दूसरा क्या और एक सीएस। देखो क्या आपने ये चार्ट को बना लिया, क्या आपने चार्ट्स को बनवा लिया है ना। हाँ सॉफ्टी वर्मा जी बिल्कुल करवाएंगे, मैंने आज आपने शुरुआत में लेक्चर सुना ही नहीं शायद इसलिए आप ये सवाल पूछ रहे है ना। अब शुरुआत में लेक्चर देखो मैंने बताया हुआ आज के लेक्चर के शुरुआत में, चलो हो गया समझ गए बात को, दो डायरेक्टर या एक डायरेक्टर और एक कंपनी सेक्रेटरी, इसके बीच में और है बेटा है ना। आओ चलिए ये हो गया यहां पे हमारा समाप्त, पूरी तरीके से हमारा हो गया फिनिश है ना। आ जाइए चलिए, येप 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 सर डन, वी आर डन, कम ऑन एवरीवन वी आर डन फॉर द डे। अब देखेंगे एक बार फटाफट मैं आपको क्या करवा दूंगा, इसको रिवाइज करवा दूं मैं आपको है ना, पूरे पूरे चीज को रिवाइज करवा दूं एक बार अच्छे से। सभी लोग बोलो हाँ सर करवा दीजिए रिवाइज है ना, फटाफट सब लोग अपन रिवाइज कर लेंगे। अरे यार ये मैं मिटाने गया तो पूरा ही और ये हो गया, भसक गया। आ जाओ चलो फटाफट फटाफट रिवाइज करेंगे एकदम बढ़िया ढंग से। आ जाएंगे मित्रों, आ जाएंगे मित्रों, ठीक है एक मिनट को। फिर एक रिवीजन का मैं पूरा कंपाइलेशन करके आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा, जितने भी अपने ऐसे छोटे छोटे रिवीजन्स होंगे ना वो छोटे छोटे रिवीजन्स की मदद से हम लोग क्या करेंगे एक बड़ा सा रिवीजन लेक्चर बना लेंगे और वो मैं आपके लिए अपलोड अवेलेबल करवा दूंगा। तो आपको अगर कभी भी फिर बाद में चल के रिवीजन करना पड़े तो आप वो वीडियो से देख सकते हो, आप सभी लोगों के लिए वो वीडियो अवेलेबल हो जाएगा है ना। हाँ सिंपल, चलो आओ देखो मित्रों ध्यान देंगे, फोकस करेंगे स्क्रीन के ऊपर सभी लोग, आप यहाँ पे केवल और केवल स्क्रीन के ऊपर ध्यान देंगे, बुक को बंद कर दीजिए, हो सके तो जगह के ऊपर खड़े हो जाइए जहाँ पे आप जहाँ पे भी पढ़ाई कर रहे हो, तो आपका फुल कॉन्सेंट्रेशन अभी मेरे ऊपर चाहिए, अच्छी तरीके से ध्यान दीजिएगा ठीक है। चलो मैं अगर बात करूँ आपके साथ मित्रों ध्यान दीजिएगा, चलो 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 हेलो एवरीवन, चलिए शुरुआत करेंगे आज के हमारे इस कंपनीज एक्ट के रिवीजन से। मैं अगर बात करूं आपके साथ तो ये रिवीजन के अंदर देख लीजिए, सबसे पहले अगर मैं कहूं तो कंपनीज एक्ट में आपको 470 सेक्शन देखने मिलेंगे, उसके साथ ही साथ आपको 7 शेड्यूल्स भी देखने मिलेंगे। ये जो चीजें हैं इसको डिवाइड किया गया 29 चैप्टर्स के अंदर, फिर हमने उसके बाद एक नया पार्ट पढ़े थे जो क्या था कि ये आखिर कंपनीज एक्ट लाया क्यों गया, तो इसका एम था तो इंप्रूव कॉर्पोरेट गवर्नेंस, दूसरा सिंप्लीफाई रेगुलेशन, स्ट्रेंथन द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स, विसल ब्लोअर्स को बचाओ और उसके प्रोविजन करो क्लास ऑफ सूट से रिगार्डिंग, ये 5 चीजों के रिगार्डिंग हमने बात किए थे। फिर हमने देखा था ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया था रेगुलर क्लास में। अब देखो यहां पे एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट से रिलेटेड चर्चा की है, तो किस-किस के ऊपर कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होगा, तो कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होगा वो सारी कंपनीज जो इनकॉर्पोरेट हुई है इस एक्ट के अंदर या एनी ऑफ द प्रीवियस कंपनीज एक्ट, तो उनके ऊपर एप्लीकेबल 1956 में कंपनी बनी एप्लीकेबल करेंगे। दूसरा इंश्योरेंस, बैंकिंग और इलेक्ट्रिसिटी, ये तीनों कंपनी के अंदर अगर मैं कहूं अगर इनका खुद का एक्ट और कंपनीज एक्ट अगर घमासान युद्ध
करते हैं तो जीतने उनके खुद का एक्ट वाला, लेकिन उनके ऊपर भी कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होता है। फिर स्पेशल एक्ट के द्वारा अगर कोई कंपनी आई है तो उनके ऊपर भी क्या कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होगा का, बिल्कुल होगा। फिर हमने सिक्स वाली चीज देखे थे कि अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट होता है जिसको मतलब जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही है कि इनके ऊपर भी एप्लीकेबल कराओ तो वहां पे भी आप एप्लीकेबल कर दोगे। क्या आप बात को समझ गए? यस सर। अब देखिए मीनिंग ऑफ द कंपनी, तो यहां पे दो डेफिनेशन है। सबसे आसान वाली डेफिनेशन सेक्शन नंबर 2220 की, कंपनी मींस अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी ऑफ द प्रीवियस कंपनी लॉ। लेकिन प्रोफेसर है ने माने नहीं, इन्होंने पूरे फीचर्स को जोड़ा और बोले कि नई कंपनी की डेफिनेशन बनाऊंगा। अ कंपनी मींस अ इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन व्हिच इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय द लॉ हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी विद अ परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील, ऐसी यहां पे चर्चा की गई थी। उसके बाद अगर मैं फीचर्स की बात करूं तो आपको पांच प्रकार के फीचर्स है। सबसे पहला अगर मैं कहूं आपके साथ तो सेपरेट लीगल एंटिटी, सबसे पहला क्या है सेपरेट लीगल एंटिटी करके। ये सेपरेट लीगल एंटिटी का कहना है कि कंपनी और उसको बनाने वाले मेंबर्स अलग अलग लोग होते हैं, कंपनी की अपनी राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस होती है, कंपनी खुद के नाम पे बैंक अकाउंट लोन्स को इनकर लाइबिलिटी को देख सकती है। जितने भी ये पर्सन होते हैं ये डिफरेंट होते हैं फ्रॉम द सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम। यहाँ पे कंपनी इवन इनकर द लाइबिलिटी अगेंस्ट द मेंबर्स ऑल्सो, और उस चीज को भी मतलब एज अ डेट भी हम लोग इसको डील कर सकते हैं। उसके बाद बोला गया है कि यहाँ पे क्या कि कंपनी के जो कंट्रीब्यूट जो करते हैं ना शेयर होल्डर्स, ये कंपनी के असेट्स को कंट्रीब्यूट करते हैं। मतलब यहाँ पे जो शेयर होल्डर्स या मेंबर्स की बात करूँ वो कंपनी के प्रॉपर्टी के जॉइंट ओनर्स नहीं होते, वो कंपनी के जॉइंट ओनर्स होते हैं, समझना। कंपनी के प्रॉपर्टी के ओनर केवल और केवल कंपनी होने वाली है, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। सैलोमैन एंड सैलोमैन कंपनी लिमिटेड का हमने केस लॉ देखा था बूट मैन्युफैक्चरिंग का, जहाँ पे वो परचेस कंसिडरेशन वाली बात हुई थी, जहाँ पे डिबेंचर्स को प्रायोराइज किया गया था। भले डिबेंचर होल्डर सैलोमैन खुद था लेकिन वो कोई दिक्कत की बात नहीं है, उसे प्रायोराइज दिया जाएगा। फिर ने देखा था मैकाउरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, और उसके अंदर हमने क्या देखा कि कंपनी का इवन इंश्योरेबल इंटरेस्ट भी नहीं होता है। कंपनी का सही मायने में तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट भी, मतलब मेंबर का इंश्योरेबल इंटरेस्ट भी नहीं होता है कंपनी के प्रॉपर्टी में। कंपनी की अगर प्रॉपर्टी है तो केवल और केवल कंपनी का इंश्योरेबल इंटरेस्ट उसके अंदर होने वाला है। फिर हमने नेक्स्ट वाली चीज देखे थे कौन सा, परपेचुअल सक्सेशन, मेंबर्स कम एंड गो बट कंपनी स्टे फॉरएवर। मतलब अगर मैं कहूं तो कंपनी परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है अगर कंपनी के पूरे डायरेक्टर्स पूरे मेंबर्स सबके सब मर भी गए एक एक्सीडेंट के अंदर, जो मैंने आपको ऐसा ये देखो ये है ना एक्सीडेंट के अंदर, तो ऐसे केस के अंदर हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे केस के अंदर हम बोलेंगे कंपनी चलती रहेंगी चलती रहेंगी चलती रहेंगी। अगर कंपनी को जन्म देने वाली लॉ है तो उसको मुटाने वाले भी लॉ होने वाली है, इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि आर्टिफिशियल पर्सन है ना, नेचुरल पर्सन नहीं है जो बंद हो जाए या जो ना चले करके, ऐसी वाली बात यहां पे की गई है। लिमिटेड लाइबिलिटी की बात करूंगा कि जो कंपनी, ये डिपेंड करता है काइंड्स ऑफ कंपनी के ऊपर। अगर लिमिटेड बाय शेयर्स है तो एक व्यक्ति की लाइबिलिटी ओनली ऑन द अप टू ऑन कितना अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर, 10 रुपए का शेयर है 6 रुपए पेड अप है 4 रुपए अनपेड अमाउंट है, ये अनपेड अमाउंट की जितनी लाइबिलिटी एक मेंबर की होने वाली है। दूसरी चीज की अगर मैं बात करूं आपके साथ तो देखिए क्या है, लिमिटेड बाय गारंटी की बात करूंगा। अब ये जो लिमिटेड बाय गारंटी है, इस चीज के अंदर क्या बोला गया है कि कंपनी अगर गोज इनटू लिक्विडेशन, अगर कंपनी लिक्विडेशन के अंदर जाती है तो ऐसे केस के अंदर यहां पे क्या होने वाला है, ऐसे केस के अंदर हम लोग बोलेंगे कि कंपनी अगर कंपनी अगर लिक्विडेशन में जाती है, लिक्विडेशन में जाना जरूरी, तो जितना अमाउंट गारंटी किया उतना पैसा आपको मिलेगा, 10,000 गारंटी किया 10,000 मिलेगा, जरूरत उतनी की है तो, अगर कम की जरूरत है तो आपको कम पैसा देंगे। अनलिमिटेड लाइबिलिटी तो सवाल ही नहीं उठता, अनलिमिटेड लाइबिलिटी रहने वाली है, नाम भी लिखा हुआ है। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन मतलब सेपरेट लीगल एंटिटी का एक्सटेंडेड पार्ट है। अब ये सेपरेट लीगल एंटिटी का एक्सटेंडेड पार्ट की अगर मैं बात करूं आपके साथ तो यहां पे क्या हो जाता है कि सेपरेट लीगल एंटिटी में हम लोग ऐसा कहेंगे कि कंपनी और उसको बनाने वाले जो लोग हैं ये अलग अलग होते हैं, तो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, ये अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, सारी चीजों को एक्वायर कर सकती है, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस और असेट्स वगैरह को एक्वायर कर सकती है, ये सारी चीजें इसके अंदर बोली गई है। और यहां पे बोला गया कि डायरेक्टर एजेंट होता है कंपनी के, वो मेंबर्स के डायरेक्टर नहीं होते, ध्यान रखना। भले मेंबर्स कंट्रोल कर सकते हैं कंपनी को या मेंबर्स लोगों को, मेंबर्स ही एक्चुअल में ओनर होते हैं कंपनी के, पर इसका मतलब ये नहीं होता कि डायरेक्टर मेंबर्स के कंट्रोल में आ जाएंगे करके, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। फिर अपन ने कॉमन सील देखा, कॉमन सील का मतलब होता है ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ अ कंपनी, ये एक प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज सिंबल ऑफ अ इनकॉर्पोरेशन, एक कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है उसका ये सिंबल है, ठीक है। लेकिन 2015 में इसको ऑप्शनल कर दिया था, दो तरीके से चीजें, एक तो आप कॉमन सील को फॉलो कर रहे हो तो कॉमन सील को बढ़िया तरीके से यूज करते रहो, या अगर आप कॉमन सील को फॉलो नहीं कर रहे हो तो ऐसे केस में दो चीजें होंगी, एक तो दो डायरेक्टर्स से साइन ले लेना तो हम ऑथेंटिकेट कर सकते हैं आप डॉक्यूमेंट को, और दूसरा अगर मैं बात करूं एक डायरेक्टर एक कंपनी सेक्रेटरी, इसके मदद से अगर आपके केस में कंपनी सेक्रेटरी आपके कंपनी में तो आप उनसे भी ऑथेंटिकेट करवा सकते हैं। तो ऐसा वाली चीज यहां पे अपन ने फीचर्स ऑफ द कंपनी के अंदर हमारे समाप्त हो चुके हैं।
है ना। तो ये होता है यहाँ पे अपना पूरा पूरा एकदम बढ़िया तरीके से रिवीजन समाप्त। और कल से अपन लोग कॉर्पोरेट वेल का थ्योरी देखेंगे, कॉर्पोरेट वेल के थ्योरी को हम लोग समझेंगे। अच्छा मेरे को एक बात बताओ यहाँ पे, ये हुआ कौन सा, ये हुआ समझिए बात को, सेपरेट लीगल एंटिटी हुआ। उसके बाद अगर मैं बात करूँ अपने साथ, फिर परपेचुअल सक्सेशन हुआ, लिमिटेड लाइबिलिटी हुआ बेटा, आर्टिफिशियल पर्सन हुआ, और आखिरी में क्या हुआ, कॉमन सील हुआ। समझ रहे बात को, कॉमन सील हुआ है ना। तो एस यहाँ पे कर दो, स्लैब्स करके डाल दो यहाँ पे, स्लैब्स करके, ठीक है, स्लैब्स करके, सेपरेट लीगल एंटिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी, आर्टिफिशियल पर्सन, पी से परपेचुअल सक्सेशन, एस से कॉमन सील, आप ऐसा यहाँ पे डाल सकते हो, स्लैब्स करके डाल देंगे तो आपको चीजें ध्यान रह जाएंगी। क्या आप ये बात को समझ गए? यप यप यप, चलो परफेक्ट है, एब्सोल्युटली परफेक्ट। ओके गाइस, थैंक यू सो मच वंस अगेन। जाने से पहले कहूंगा कि अनअकैडमी के ऊपर चल रहा है 20% ऑफ, तो आप जरूर से फायदा ले लीजिएगा। आपको जो भी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है, मैं रिकमेंड करूंगा कि प्लस का 3 महीने का सब्सक्रिप्शन लीजिए अगर आपका डिसंबर अटेम है। लेकिन अगर आपका May 23 अटेम है तो आपने तैयारी चालू कर देना चाहिए। एकाग्रता बैच जो ऑलरेडी फिनिश हो चुके हैं उससे आप तैयारी चालू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसे केस में आपने 1 साल के लिए सब्सक्रिप्शन लेना होगा आपको। अगर आपका November 23 है तो भी 1 साल का ही आप सब्सक्रिप्शन लेंगे, ठीक है। तो आप 3 महीने का सब्सक्रिप्शन लेंगे दिसंबर के लिए, और 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेंगे अगर आपका May 23 है और November 23 है तो भी, ठीक है। तो प्लस के अंदर आपको बेस्ट एजुकेटर्स, लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्स एंड PDF, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस मिल जाती है, सेम चीजें आइकॉनिक में। उसके अलावा मेंटरशिप, स्टडी मटेरियल, डाउट सॉल्विंग और पूरे प्लस के बेनिफिट्स मिल जाते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, अपकमिंग बैचेस में RTP MTP होने वाली है, MCQ बैच होने वाली है, और इस बार मैं और स्वाति मैम एक प्लान कर रहे हैं कि हम आप लोगों के लिए लॉ की राइटिंग बैच भी एक लेके आए, जहां पे हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर्स के डर से रिलेटेड पूरा पूरा डील करें आप लोगों के साथ, है ना। तो ऐसा प्लानिंग चल रही है, जैसे कुछ फाइनलाइज होता है हम आपको जरूर बताएंगे। भाई अगर मैं बात करूं आपके साथ, आप लाइट सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, जहां पे आपको क्यूरेटेड टेस्ट सीरीज मिलती है और डेली प्रैक्टिस के क्वेश्चन मिलते हैं, लेकिन यहां पे आपको एजुकेटर का एक्सेस नहीं मिलता, एजुकेटर की आप क्लासेस नहीं कर पाते हो। मैं रिकमेंड करूंगा कि आपने प्लस या आइकॉनिक ही लेना चाहिए, क्योंकि लाइट तो ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है प्लस या आइकॉनिक में। अगर आप प्लस आइकॉनिक लेते हैं तो लाइट का सब्सक्रिप्शन उसके साथ ही आता है। अन अकेडमी के ऊपर 20% ऑफ है, ठंडा मतलब कोको कोला, और कोड मतलब IGSIR कोड का प्रयोग कर सकते हैं फॉर मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। एक और चीज बता दूं, कॉम्बो सब्सक्रिप्शन ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में कि कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी आप यहां पे ले सकते हैं, कि 24 मंथ्स का अगर आपने कॉम्बो लिया। तो ऐसे केस में क्या होता है, अभी दिसंबर में आपका अटेम्प्ट है, उसके बाद जनवरी में हमारी वार्म अप बैचेस आती है जो प्लस के ऊपर होने वाली है, और इस बार CA इंटरमीडिएट लॉ के अंदर आपके अपने IGSIR भी होंगे। तो अगर मैं बात करूं आपके साथ, तो ये 24 मंथ्स का भी आप एक्सेस ले सकते हैं। बेस्ट चीज होती है कॉम्बो, सबसे ज्यादा किफायती, इसके अंदर जितनी भी अनसर्टेनिटीज होती है रिजल्ट से रिलेटेड, सारी चीज से रिलेटेड, सब यहां पे कवर कर ली जाती है। तो 24 मंथ्स का प्लस का सब्सक्रिप्शन इनफ है, लेकिन अगर आपका पॉकेट अलाउ करता है आप 24 मंथ्स का आइकॉनिक भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगेन आप यहां पे IGSIR कोड का यहां पे प्रयोग आप कर सकते हैं। और वही अगर मैं कहूं कॉम्बो में आइकॉनिक भी अवेलेबल होता है, ट्रैक कीजिएगा मेरे पूरे सेशंस bit.ly/IGSIR के ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, फॉलो कीजिए अनअकैडमी के लर्निंग ऐप के ऊपर। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। लेक्चर को लाइक नहीं किया लाइक कीजिए। आपको कैसा लगा सेशन ये जरूर से बताना यार, आपके लिए बहुत ज्यादा हम लोग मेहनत कर रहे हैं, आपका एक अच्छा कमेंट हमारा दिन बना देता है। तो जरूर से कमेंट करके बताइएगा आपको आज का सेशन कैसा लगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल टुडे एट कितना बजे, 7 PM को हम लोग मिलने वाले, जहां पे हम लोग यूनिट नंबर 6 को कंटिन्यू करेंगे ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, यूट्यूब और स्पेशल क्लास वाले स्टूडेंट्स के लिए। प्लस के ऊपर तो अलग से प्लस पे आने वाला है, हमारा चैप्टर नंबर 5 ऑलमोस्ट कवर हो चुका है प्लस में, तो हम लोग जल्दी यूनिट नंबर 6 भी चालू करेंगे प्लस के ऊपर, ठीक है। थैंक यू सो मच वंस अगेन, बाय।